बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और चीफ जस्टिस की एक ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस में उन्होंने हिस्सा लिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, केंद्रीय कानून मंत्री और सभी 25 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मौजूद रहे। कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हुआ। इससे पहले यह कार्यक्रम 2016 में हुआ था। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें कोर्ट में स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने की जरूरत है। इससे देश के सामान्य नागरिकों का न्याय प्रणाली में भरोसा बढ़ेगा और वो उससे जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के इन 75 सालों ने जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव दोनों के ही रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी को निरंतर स्पष्ट किया है। जहां जब भी जरूरी हुआ देश को दिशा देने के लिए यह संबंध लगातार विकसित हुआ। देश में हम जजों की संख्या को पूरा करने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। हमारे देश में जहां एक और जुडिशरी की भूमिका संविधान के संरक्षक की है, तो वहीं लेजिस्लेचर नागरिकों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है और मुझे विश्वास है कि संविधान की इन दो धाराओं का यह संगम, ये संतुलन देश में प्रभावी और समयबद्ध न्याय व्यवस्था का रोडमैप तैयार करेगा। इससे पहले सीजीआई एनवी रमन्ना ने कहा कि न्याय का मंदिर होने के नाते अदालत को लोगों का स्वागत करना चाहिए। कोर्ट की अपेक्षित गरिमा और एक आभा होनी चाहिए। ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राजस्थान से कानून मंत्री शांति धारीवाल भी मौजूद रहे। राज्य के मुख्यमंत्रियों और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की ये ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस हमारी संवैधानिक खूबसूरती का सजीव चित्रण है। मुझे खुशी है कि इस अवसर पर मुझे भी आप सबके बीच कुछ पल बिताने का अवसर मिला है। हमारे देश में जहां एक और जुडिशरी की भूमिका संविधान संरक्षक की है, वहीं लेजिस्लेचर नागरिकों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। मुझे विश्वास है कि संविधान की इन दो धाराओं का यह संगम, ये संतुलन देश में प्रभावी और समयबद्ध न्याय व्यवस्था का रोडमैप तैयार करेगा। मैं आप सभी को इस आयोजन के लिए हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों की ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस पहले भी होती आई है और उनसे हमेशा देश के लिए कुछ न कुछ नए विचार भी निकले हैं, लेकिन ये इस बार ये जो आयोजन अपने आप में और भी ज्यादा खास है। आज ये कॉन्फ्रेंस एक ऐसे समय में हो रही है जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आजादी के इन 75 सालों ने जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव दोनों के ही रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निरंतर स्पष्ट किया है। जहां जब भी जरूरी हुआ देश को दिशा देने के लिए ये रिलेशन लगातार इवॉल्व हुआ है। आज आजादी के अमृत महोत्सव में जब देश नए अमृत संकल्प ले रहा है, नए सपने देख रहा है, तो हमें भी भविष्य की तरफ देखना होगा। 2047 में जब देश अपनी आजादी के 100 साल पूरे करेगा, तब हम देश में कैसी न्याय व्यवस्था देखना चाहेंगे, हम किस तरह अपने जुडिशियल सिस्टम को इतना समर्थ बनाएं कि वो 2047 के भारत की आकांक्षाओं को पूरा कर सके, उन पर खरा उतर सके, ये प्रश्न आज हमारी प्राथमिकता होना चाहिए।
अमृत काल में हमारा विजन एक ऐसी न्याय व्यवस्था का होना चाहिए जिसमें न्याय सुलभ हो, न्याय त्वरित हो और न्याय सबके लिए हो। साथियों, देश में न्याय की देरी को कम करने के लिए सरकार अपने स्तर से हर संभव प्रयास कर रही है। हम जुडिशियल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की कोशिश चल रही है, केस मैनेजमेंट के लिए आईसीटी के इस्तेमाल की शुरुआत भी की गई है। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक वैकेंसीज को भरने के लिए भी प्रयास हो रहे हैं।